भाइयों और बहनों, इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। कोरोना की वजह से आज पूरी दुनिया चिंता में है, मुश्किल में है। महामारी के इस कठिन समय में बिहार को स्थिर सरकार बनाए रखने की जरूरत है, विकास को, सुशासन को सर्वोपरि रखने वाली सरकार की जरूरत है। ये समय हवा हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है, कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं, अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या? साथियों, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए ही बिहार के लोग इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना के साथ ही बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। साथियों, ये चुनाव आने वाले दशक में, इस सदी में बिहार के भविष्य को तय करेगा। आपका एक वोट ये तय करेगा कि आत्मनिर्भरता का संकल्प लेकर निकले हुए भारत में बिहार की भूमिका कितनी क्या होगी। आपका एक वोट तय करेगा कि आत्मनिर्भर बिहार का लक्ष्य कितनी तेजी से हम पूरा कर पाएंगे।